चलो मेरा बेटा आओ खाना खाते बेटे बात तो सुनो आप क्या निम्रा बीबी ये क्या किया आपने वो आपके पापा है ना देखो उन्हें चोट लग गई ये मेरे पापा नहीं है ये सिर्फ एमन के पापा है ये मुझे पुलिस में दे देंगे इनकी ही वजह से मम्मी मुझे डांटती है इन्होंने ही मम्मी से कहा है ये गंदे है I hate him माफ कर दीजिए साहब जी अभी बच्ची है ना ठीक हो जाएगी ठीक तुम खाना उठा लो यहाँ से ये मेरे पापा नहीं है ये सिर्फ एमन के पापा है ये मुझे पुलिस में दे देंगे इनकी ही वजह से मम्मी मुझे डांटती है इन्होंने ही मम्मी से कहा है ये गंदे है I hate him साहब आप इस वक्त सब खरे तो है हाँ बस वो जरा घर जा रहा था वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई अच्छा आए मैं आपको खोल देता हूँ नहीं नहीं जरूरत नहीं है तुम मुझे चाबियां दे दो मैं आता हूँ 5-10 मिनट आज मैं अपने आप को पूरी तरह तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हारी बीवी महसूस कर रही हूँ मेरा सब कुछ तुम हो जो कुछ मेरा है अब सब तुम्हारा है तुम पर निछावर करने के लिए पूरी तरह तैयार एमन को क्या हुआ हमारी बेटी ठीक तो है ना हमारी बेटी अब तुम हमारी बेटी कह रही हो अगर तुम उसे अपनी बच्चियों की तरह समझती तो आज एमन का ये हाल ना होता हाँ भाई आप क्या कह रही हैं बस कर दीजिए अब आप अपनी हद पार कर रही हैं तुम मुझे कुछ भी कहो मुझे डांटो कुछ भी कहो लेकिन जो मैं देख रही हूँ जो समझ रही हूँ वो जरूर कहूंगी मेरी जबान कोई नहीं बंद कर सकता प्लीज आप अपने आप को संभालो मैं जानता हूँ कि आप परेशान हैं लेकिन यकीन कीजिए हम सब भी बहुत परेशान हैं हाँ हम परेशान हैं और हम परेशान जिन लोगों की वजह से हैं वो हमारे सामने बैठे यकीन मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो क्या कह रही हैं आप क्या मतलब क्या कह रही हूँ दुनिया में बच्चों की जेलें नहीं होती क्या जो बच्चे गलतियां करते हैं उन्हें सजाएं दी जाती हैं अगर बच्चों को सजाएं ना दी जाए तो आगे चलकर वो बहुत बड़े मुजरिम बन जाते बस कर दीजिए आपा कहाँ होता है सब बच्ची है वो तो वो भी तो बच्ची है जो अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ रही है उसकी हालत तुम्हें नजर नहीं आ रही और इस बच्ची की हालत तुम्हें नजर आ रही है मुझे लगता है आप इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं हाँ मैं पागल हो गई हूँ मुझसे नहीं देखी जाती है मन की तकलीफ उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता और मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जो तकलीफ उन्होंने एमन को दी है इन्हीं को भी ये तकलीफ दूंगी छोड़ूंगी नहीं निम्रा करती हैं आप बच्ची को डरा दिया आपने निम्रा मेरी बात सुनो निम्रा मेरी बात सुनो क्या हुआ तुम्हें नहीं निम्रा बेटा निम्रा 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 बेटा किधर जा रही हो आप निम्रा रुको निम्रा क्या कर रही हो बेटा नहीं आप मुझे पुलिस में दे देंगे मैं आपको पुलिस में क्यों दूंगा बेटा ऐसा कुछ नहीं है निम्रा मेरी बात सुनो अच्छा मेरी जान मेरी बात सुनो अंदर आओ आओ हमारी बात सुनो बेटा क्या हो गया आपको क्यों ऐसे कर रहे हो आप
इस फाइल में सारे सबूत हैं, किस तरह हुकूमत के महकमों में गड़बड़ की जाती है, किस तरह ठेके हासिल किए जाते हैं, किस तरह रिश्वत दी जाती है अफसरों को, सारी तफसील इसमें। क्या आप ये सब कुछ नैब को देंगे? ठीक, इन सबूतों को देखते हुए नैब एक मिनट नहीं लगाएगी सादान साहब को जेल भेजने में। सादान साहब को अपनी जान बचानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आर यू श्योर कि आप ये सारे सबूत अपना ही शोर सादान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? आपसे जो वादा किया था वो पूरा करते हैं। थैंक यू। अमन को होश तो आ गया लेकिन इसकी टांगे हरकत नहीं कर रही, क्या वजह है? ये भी कुछ अरसे चल नहीं पाएंगी। क्या तुम सब, क्या हुआ क्या अमन को, कुछ बताइए तो सही। देखिए आप लोग ये समझ लें कि वक्ती तौर पर इनकी टांगे पैरालाइज हो गई हैं, कुछ ही अरसे की बात है। जो नर्व्स इनकी दब गई थी उसको नॉर्मल होने में कुछ वक्त लग जाता है, कितना वक्त लगेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये यंग है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे मैंने फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर दी है इनके लिए। तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि सादान ने कब कब कहां कहां किस किस के साथ काम किया, किस किस सरकारी महकमे को रिश्वत दी और जितने ठेके हैं उसने किस तरह हासिल किए, इनमें हैं डिटेल्स। इट्स गुड, इट्स प्रीटी गुड। अगर केस मजबूत है तो इस बंदे का बचना बहुत मुश्किल है। मजबूत है क्या मतलब, मजबूत है केस, इसमें सबूत है सारे। देखिए मैं जानता हूं आपके पास सबूत है, लेकिन हम किसी भी इन्फ्लुएंशियल आदमी पे हाथ डालने से पहले 100 दफा सोचते हैं, बहुत जांच पड़ताल करनी पड़ती है हमें, और आजकल का मीडिया, मीडिया के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं। अगर हम लोगों ने सबूत लाने में एक मिनट भी देर की ना तो मीडिया शोर मचा देगा। अगर किसी के खिलाफ इतने वाज़े सबूत हों और आपका डिपार्टमेंट फिर भी कोई कार्रवाई ना करे तब भी तो मीडिया बहुत शोर मचाता है, तो आप ये पेपर्स अपने डिपार्टमेंट वालों को दिखाइए, और अगर कार्रवाई के दौरान हर अखबार में और हर चैनल में इस करप्शन की खबर आने लगे तो। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा काम मजीद आसान हो जाएगा। देखिए अच्छाई हो या बुराई हो, जब भी मीडिया कोई केस उठाता है ना तो उसके पीछे तमाम गवर्नमेंट के इदारे भी आ जाते हैं, आजकल की रियलिटी यही है। तो ठीक है, आप और आपका डिपार्टमेंट ये फाइल्स ले जाइए, और कार्रवाई से पहले हर तरफ से पकड़ो पकड़ो का शोर आना शुरू हो जाए ना, फाइल्स। गिफ्ट है सर, भाभी और बच्चों के लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट, तोहफा है। सर फाइल को जरूर देख लीजिएगा गौर से, एक एक हर्फ सच है इसमें, और इस फाइल का सामने आना हम सबका कौमी फरीजा है सर, हम सबका कौमी फरीजा है। ये लीजिए ना, बकलावा स्पेशलिटी है यहाँ, हुमस, हुमस का ये सर नान के साथ। अच्छा चलो बेटा मैं तुम्हें कमरे में ले जाऊँ, तुम रहने दो, मैं इसे खुद लेके जाऊंगी। अमन अब पप्पू आ गई है ना, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, डॉक्टर तो बिला वजह की बातें करते हैं, मेरी बेटी तो बहुत ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी दिनों में देखना पूरे घर में भागोगी खेलोगी, है ना? और हाँ मैंने तो डिसाइड कर लिया, जब तक अमन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, चलो
मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलती हूँ, फिर हम कहानी भी सुनेंगे, बैठ के खाना भी खाएंगे। हाँ मैं किचन देख लूंगा। बेटा आप इतनी देर से क्यों आई हो? वो पापा मुझे भूख नहीं लग रही थी। अच्छा बैठो। बेटा एक बात याद रखना, भूख लगी हो या ना लगी हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अभी देखना हम सब खाना खाएंगे ना तो आपको भूख लगेगी। ये राइस निकालो। आओ आओ अमन को लेकर। आ जाओ। शाबाश निमरा, आप यहाँ से उठो, पापा की शहजादी अपने पापा के पास बैठेगी। आप जाओ अपनी मम्मी के पास बैठो। उठो उठो शाबाश, उठो उठो। आओ ये चेयर इधर गई। शाबाश, और मेरी बेटी अपने पापा के पास बैठेगी और खाना खाएगी, देखना कैसे भूख लगेगी। हाँ अब क्या खाएगी मुझे बताओ, आप क्या खाएंगी? क्या दूं गुड़िया आपको, कबाब खाएंगी? हाँ यम्मी यम्मी कबाब ये, और राइस। ये कबाब निम्रा को भी दीजिए ना, उसे बहुत पसंद है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले ना ये लो, लो अपनी मम्मी को दो। और राइस, राइस डालो। बच्चे सो गए? निम्रा भी सोई है। और एमन? मैं एमन के कमरे में नहीं गई, मैंने सोचा शायद शायस्ता आपा फील करेंगी इसलिए। अलीना मुझे इस सिलसिले में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। देखो ना कि मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि निम्रा की गलती थी और उसको सजा भी मिलनी चाहिए उसकी उम्र के मुताबिक, लेकिन वो भी तो छोटी है ना। हाँ वो ठीक कह रही हो, छोटी है। अच्छा तुम्हें याद है जब एमन और निम्रा की नहीं बन रही थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि मैरिड लाइफ में मियाँ बीवी के सामने बहुत से चैलेंजेस आते हैं, समझो ये भी उन्हीं में से एक। जानता हूँ शाइस्ता आप अगर रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी हम दोनों को और बहुत कुछ फेस करना है। मैं नहीं चाहती कि तुम शाइस्ता आपा से कोई बात करो। बात तो मुझे उनसे करनी पड़ेगी, कभी मौका नहीं मिला इसलिए कर नहीं सका। But I think you will also have to understand कि उन्होंने बचपन से एमन को पाला, इसीलिए वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन अलीना जो कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। I know कि तुम कितनी तकलीफ में हो रही हो। एमन के साथ जो कुछ भी हुआ है, जितनी तकलीफ में हुआ है किसी से भी नहीं देखी जाती। छोटी सी बच्ची व्हील चेयर तक महदूद हो गई है, कुदरत ऐसे इम्तिहान क्यों लेती है हमसे? सादान हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। वो तो आना ही था तुम लोगों ने, अच्छा किया जो मुझे छोड़ रहे थे, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जो तुम लोगों ने मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ किया है ना, देखना मैं क्या करता हूं तुम लोगों के साथ। मीडिया में जाऊंगा, कोर्ट में लेके जाऊंगा तुम लोगों को। ऐसे करता को बिजनेसमैन के साथ? ना मुझे मेरी बीवी से मिलने दिया, ना वकील से, एक एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। मिस्टर सादान, वी आर फ्रॉम नैप।